भारतीय जनता पार्टी द्वारा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन शनिवार को बेतिहाता स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री चिरंजीवी लाल चौरसिया, महापौर सीताराम जायसवाल, पार्टी के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, क्षेत्रीय महामंत्री शारदा नंद राय, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, पार्टी के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन, डॉक्टर सत्या पांडे, जितेंद्र सैनी, ओम प्रकाश शर्मा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी जीत के लिए एक स्वर्ण हुंकार भरी। वक्ताओं ने कहा कि किसी भी पार्टी का अस्तित्व उससे जुड़े कार्यकर्ताओं पर टिका होता है, इसलिए कार्यकर्ताओं का दायित्व और महत्व और बढ़ जाता है। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के विकास और विस्तार के लिए कार्य करें और उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को भली भांति निर्वहन करें। मैं आपको विश्वास करने वाला चैन से हम कुर्सी पर बैठे हम गोरखपुर में हर पद में अध्यक्ष केवल नहीं रहा हूं, वो भी इसलिए नहीं रहा कि एक बार मुझे बुला के कहा गया कि आपको गोरखपुर महानगर में अध्यक्ष बनना है और ठीक थोड़ी देर बाद यानी 1 बजे रात में हमको बुला के कहा गया कि नहीं आप इस बार रहने दीजिए, आगे बनना है। तो मैं केवल डिप्टी मेयर रहा गोरखपुर में, महामंत्री रहा गोरखपुर में, क्षेत्र में महामंत्री रहा और अब हमें प्रदेश में महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बंधुओं, मैं बहुत ही लगन के साथ, हम तो राष्ट्रवाद के नाते भारतीय जनता पार्टी में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। वर्ष 1971 मुझे याद है, मैं बहुत छोटा सा था, तब से लेके आज तक मुझको लगता है कि मुझे 46 से 47 साल आज हो रहे हैं और मैं लगातार इस शहर में मैं काम करता रहा हूँ। बहुत सा नाम ले सकता हूँ, मेरे ध्यान में है, लेकिन वो नाम लेना उचित नहीं है। मैं केवल इतना आज के अवसर पर कहना चाहता हूँ कि मुझे कार्यालय में बैठने के लिए कहा गया है, मैं सोम मंगल बुधवार को रेगुलर अपने मुख्यालय में लखनऊ में मैं बैठता हूँ और उसके बाद 1 से 2 दिन मुझे हर जिलों में जाना है, वो मैं कर रहा हूँ। मुझे पूरा संगठन आपके साथ मिलजुल के खड़ा करना है, हमें क्षेत्र की टीम बनानी है, हमें जिले की भी टीम बनानी है, नए स्तर से, पुरानी जो टीम रही है रही होगी, लेकिन हमें अब एक बहुत ही अच्छा संगठन पिछड़े वर्ग में खड़ा करना है। इसमें बंधुओं, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो पिछड़े वर्ग के लोग जिनके अंदर ऊर्जा है, जो कुछ कर सकते हैं, उनको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करें, हमारे पास वो नाम आ जाए, मैं उनको निश्चित रूप से आगे संगठन में ले चलने का काम करूंगा। 2019 का चुनाव आपके सर पे है और बूथों पे बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है, पार्टी भी कर रही है और प्रशासन भी कर रहा है। आप जितना कर रहे हैं प्रशासन भी उतना ही करने वाला है। मित्रों, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बैठे हुए सभी कार्यकर्ता उस भारतीय जनता पार्टी की नींव के एक पत्थर है और आप ही के बल पर भारतीय जनता पार्टी की बुलंद इमारत खड़ी है और निश्चित रूप से यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो और ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि वो गोरखपुर में रहते हैं। इस नाते आज जो मतदाता पुनरीक्षण की कार्यशाला है, अभी हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने भी आप सभी लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा यह कोई सम्मेलन नहीं है, यह कोई रैली नहीं है, यह एक कार्यशाला है। हम सभी
कोई न कोई दायित्ववान कार्यकर्ता है। हमारे पास किसी के पास छोटा है, किसी के पास उससे बड़ा का दायित्व है, लेकिन यहाँ जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। इस नाते हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी और बड़ी होती है। संगठन की एक संरचना है, उस संरचना के आधार पर हम अपने पार्टी को जिला और मंडल, मंडल से लेकर सेक्टर, सेक्टर से लेकर बूथ तक उस संरचना में हम काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इस नाते हमारा काम कैसे और प्रभावी हो, निचले स्तर तक हमारा संगठन कितना मजबूत और शक्तिशाली हो, हमें और आपको मिलकर के इसकी चिंता करनी चाहिए। जहां तक सवाल है कि किसी भी राजनैतिक दल में उसके राजनैतिक दल के कार्यकर्ता के नाते प्राण रूपी वो बूथ का जो अध्यक्ष होता है वही प्राण है, लेकिन बूथ पे हमारा अध्यक्ष अकेले कुछ कर नहीं सकता। इस नाते पार्टी ने भी उसकी संरचना बनाई है कि हम बूथ के साथ उनकी बीच की एक कमेटी बनाई, बूथ अध्यक्ष को लेकर 21 की हमने कमेटी बनाई है और उसके आधार पे हम अपने उस बूथ पे पार्टी के क्रियाकलापों को संचालित करते हैं और नीचे तक पार्टी के विचार को, पार्टी की गतिविधियों को तो हम पहुंचाने का काम करते हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हम निचले स्तर पे कितना मजबूती से अपने संगठन को प्रभावी बनाए हैं, लेकिन फिर भी आगे के दिनों में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम सारे लोग संकल्पित भी हैं कि 2019 में आने वाले चुनाव में हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिए। मैं एक बार आप लोगों से हाथ उठा के पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने यह संकल्प लिया है कि 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है,